विशाल भाई, आप भी हाथ लगा दीजिए। क्या बात है, आजकल हर नया प्रोजेक्ट आता है, नया शॉर्ट मूवी आता है, कुछ न कुछ कह के जाता है। इस मूवी में क्या खास है जो लोग देखने आएंगे और अपने अपने करेक्टर के बारे में? इस मूवी में बहुत खास है और मैं ये बताना चाहता हूँ, इस मूवी बहुत सारी मेहनत लगी है लोगों की, एज एन प्रोड्यूसर जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, और सबने बहुत अच्छा रोल किया है। जिन्हें हमारे एक्टर हैं पीहू, सुनैना, खुशी, बहुत मेहनत लगी इस फिल्म को हमें बनाने में, और बहुत मज़े के साथ हमने शूट किया था, बट हमें नहीं लगा था इतना अच्छा आउटपुट होगा। बहुत अच्छा आउटपुट देख के पोस्टर लग रहा है और मूवी का टीजर हमने देखा तो हमें लगा हाँ चलो, हमने बहुत तन मन धन से मतलब इस फिल्म को बनाया है और पूरी जान झोंक दी है। जो भी कैरेक्टर था बहुत अच्छे तरीके से निभाया इस कैरेक्टर को। ये जो कहानी है एक लव जियाद के ऊपर है। जैसे होता है ना आजकल जो लव स्टोरी होती है, लोग लड़कियों को फंसाते हैं, प्यार तो करते नहीं हैं, तो उसके ऊपर इस फिल्म में दर्शाया गया है कहानी के माध्यम से। जो राइटर हैं इसके अजय जी हैं, तो उन्होंने बताया है कि लव जियाद की जो स्टोरी है ये बेसिक लव एंगल स्टोरी है। ये उनकी पहली फिल्म है, अभी उन्होंने कुछ बनाया नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। राजा राम मतलब हरीश भाई बहुत अच्छे पर्सन हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आया। जितनी भी एक्टर हैं हम लोग बहुत कूल माइंड से काम किए सेट पे और खूब मस्ती में काम किए, बहुत अच्छा लगा और किसी चीज़ की मतलब वहाँ पे कमी नहीं हुई सेट पे। मिलनसार हैं और एक्चुअली उन्होंने भी इसमें एक्ट किया है, तो उन्होंने भी एक्ट किया है और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है और पहली फिल्म है ये उनकी, तो हम सबकी ओर से उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और ये जो मूवी है एक्चुअली क्या होता है, छोटी बच्चियाँ जिनको अकल नहीं होती है ज़्यादा और वो बहुत जल्दी एक टीनेजर में आते ही वो प्यार उनको मतलब पढ़ना लिखना नहीं, बस प्यार के झांसे में आ जाती हैं। तो और कई चीज़ें होती हैं जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि कैसे आप महिला को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप नहीं कर सकते हैं जो काम है, उनको बरगलाया जाता है, भुलाया जाता है, तो उस चीज़ पे जोर दिया गया है इस फिल्म के माध्यम से। तो आप इसमें क्या किरदार निभा रहे हैं, मतलब क्या किरदार क्या आपका इसमें? मैं इसमें दो बच्चों की स्टेप मदर हूँ और वो क्या होता है कि उसमें वो लव में फंस जाती है उसके और उसके बाद फिर इतनी डिप्रेशन में पहुंच जाती है, उसके साथ कुछ गलत होता है। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं, आजकल हर किसी लड़की के साथ हो रहा है जो कम एज की है। कभी उनको किसी बच्चे के माध्यम से लेकर जाते कि अरे मुझे ये जगह बता दो, ये दिखा दो, और वो कोई भी हेल्प करने जाती है और उसके साथ में फिर गंदी चीज़ें होती हैं, बलात्कार हो जाता है, डिप्रेशन में पहुँच जाती हैं, बहुत कुछ आजकल जो चल रहा है हम जानते हैं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो क्या होता है कि कोई भी ना इसको देखकर सुन के और उसके ऊपर कोई ये नहीं सोचा कि इसको कैसे किया जाए। अगर पुलिस के पास भी जाते हैं तो सिर्फ एक कंप्लेन, सबूत लाओ, ये करो, वो करो, मतलब सारी चीजें करने के बावजूद भी उनको इस चीज की न्याय नहीं मिलता है। तो एक्चुअली न्याय तो वैसे भी कुछ नहीं है, बट एक माँ जो होती है वो उस चीज को उसका जो मौत है, उसकी बेटी मर जाती है, मौत का बदला मौत से लेती है। सब्जेक्ट काफी अच्छा लग रहा है कि इसे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए या तो किसी को दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। इस टाइप की मूवी लग रहा है, ऐसे पिक्चर बहुत कम बन रहे हैं, पिक्चर तो बहुत बन रहे हैं आजकल सोशल मीडिया टाइप पर। आप एक पिक्चर में मैसेज दे रहे हैं जो दिलों को झोर दे रहा है, तो इसमें आपको ये बात करना इसमें यही है कि आप सिर्फ इतना ही पूछे, रोमांस करने का भी मौका मिले इसमें? देखिए रोमांस का तो कोई मौका नहीं है, बस ये हुआ है कि कैसे हो जाता है वो रोहित जी थोड़ा सा बताएंगे, उन्होंने किया है क्योंकि एक रोमांटिक सीन है इनके साथ, है ना, वो आपको फिल्म में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो कहानी है बहुत अच्छी है और अच्छा कैरेक्टर इन्होंने किया, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और हमारे जो डीओपी हैं, मैं डीओपी के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, शेखर जी, उनकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया। और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हिमांशु जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल किया सेट पे, किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई सेट पे, ऑन द स्पॉट हमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब
अच्छा ऐसा लग रहा था एक फैमिली है, हम जो लोग सब सेट पे काम करते हैं तो ये होता है ना कि हमारे फैमिली एक घर हो जाता है, घर जैसा माहौल होता है, सेट पे आना फिर रेडी होना तैयार होना, तो कोई वैसा नहीं लगा किसी को अंदर एटीट्यूड है या कुछ अलग तरीके से, तो सबने बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ भी होता था हम लोग एक दो शॉट ले लेते थे और एक्स्ट्रा वन शॉट ही अच्छा हो जाता था, लेकिन होती थी ना कि एक्टर के अंदर लालच होती है कि नहीं चलो कुछ और करते हैं यार, हो सकता है अच्छा हो जाए अच्छा निकल जाए, तो हम लोग और एक दो शॉट एक्स्ट्रा दे देते थे कि चलो ये अच्छा हो जाएगा ये कर लेते हैं, कुछ दिमाग चलता है एज एन एक्टर का तो 50 चीजें चलती रहती है, क्या एडिशनल कर सकते हैं, हम लोग है पेन है हाथ में मोबाइल है इससे खेल लेते हैं। एक्चुअली मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी कि जो हमारे इस मूवी के राइटर हैं और डायरेक्टर हैं मिस्टर अजय जी, उन्होंने इस चीज़ की जो उनकी थॉट है बहुत अच्छी थॉट है, और उस चीज़ को वो मीडिया सबके सामने लाने की सोच है जो उनकी, उस पर बस हम लोग ने सिर्फ काम किया है। एक्चुअली सारा उनका नज़रिया, उनका सोचना और बहुत कुछ हो और भी हो सकता था, जिस पे हम लोग सब अभी न्यू कलाकार हैं तो अपनी पूरी पूरी मतलब हम लोग ने हिम्मत और जिम्मेदारी जिम्मेदारी से निभाया है। अब आगे कितना खरे उतरे हैं ये आप लोग देखेंगे तो फिर पता बातों से चलेगा। लग रहा है काफी आपने गहराई तक काम किए हैं दिल से चले। हम आपसे जानना चाहते हैं शूट कहाँ हुआ है, कैसा रहा पहला सीन, कैसे घबराहट रहा आपका, उनकी लोग जैसे रोहित भाई सब काफी पुराने हैं काफी सारे काम, किस तरह सीन रहा आपने? ये शूट तो विरार में रहा है और मैंने इसमें एक छोटी सिस्टर का रोल निभाया है। इसमें मैंने देखा है मेरी बहन के साथ क्या क्या होता है, और फिर उसकी जब वो मतलब डेड हो जाती है उसकी, उसके बाद ही मैंने देखा है मेरी माँ मतलब कैसे उसका बदला संघर्ष लेती है या संघर्ष करती है, मुझे कैसे संभालती है। आई मीन मुझे वो ये नहीं मतलब उनको लगता था कि मेरे जैसे मेरी जो बहन मतलब डेड हो गई उनकी, उसके जैसे मेरे ऊपर कोई असर ना पड़े, तो उन्होंने उसका बदला लिया ऐसा वैसा, मुझे बचाया और दुनिया को ये सब दिया संघर्ष कि आप अगर लड़कों की झांसों में आ गए ना तो कभी भी मतलब नहीं आप बढ़ पाओगे। तो रियल लाइफ में ऐसा है, रियल लाइफ में कुछ ऐसा है? नहीं रियल लाइफ में भी होता है, नहीं बहुत से होते बहुत हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ आजकल में की भी ऐसे लड़कियां जो केसेस होती ना बहुत होते हैं। कि लड़का अगर थोड़ा सा भी कुछ कह देगा ना तो उनके प्यार में आ जाती है कि देवी मैं ऐसा नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ, और फिर उनके झांसे में आकर के ये सब गलत काम भी कर देती हैं, उनकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। अभी कितना हुआ है ये क्या बोलते हैं कुछ हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैं जानना चाहती हूँ साथ जो पहली बार काम किए थे किस तरह के एक्साइटमेंट रहा, या कोई सीन ऐसा था बड़ा मुश्किल हुआ शूट करते हुए, नहीं डायरेक्टर साहब डांट सुना कि नहीं सुना आपने, नहीं सुना तो किस थोड़ा तरह ज्यादा तो सुना था, ऐसा नहीं है, से होती है सबकी होती, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये मेरा। हाँ अजय जी क्या सीखा आपने डायरेक्टर से डांट से? यही सीखा मैंने कि वो बहुत अच्छा मतलब नोटिस भी करते हैं और हर छोटी छोटी चीज को बताते हैं, प्यार से समझाते हैं ये ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, डायरेक्टर और से तो हमने बहुत कुछ हाँ सीख बहुत कुछ लिया, सीखा उन्हें से हमने, जो बेस्ट नहीं सीखना चाहिए उससे भी ज्यादा सीख या लिया। राइट। और बहुत तो अच्छा लगा काम करके भी, और मूवी भी बहुत अच्छी है, आप लोग देखिए एंजॉय करिए और बताइए कैसी रही। आप कुछ बोलना चाहती खुशी हैं? बताओ एक्साइटमेंट वहाँ पिक्चर के लिए? मेरा तो देखिए ऐसा था कि मेरा भी फर्स्ट ही प्रोजेक्ट है ये, तो मेरे लिए तो पहले बहुत मैं नर्वस थी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पहली बार काम कर रही हूँ लोगों के साथ क्रू के साथ, तो मेरे लिए काफ़ी वो बहुत एक्साइटिंग भी था, साथ में बहुत नर्वस भी थी कि मतलब मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ या नहीं। एंड इसमें जो है मतलब बहुत सारे मेरे इमोशंस दिखाए गए हैं, मतलब मैं बहुत रोई भी हूँ, मैं खुश भी हुई हूँ, तो मतलब बहुत मिक्स इमोशंस दिखाना है और बहुत सारे इसमें इमोशंस मेरे बाहर है, तो मुझे पता चला कि लाइक मेरे अंदर यू नो लाइक मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ। और जो भी टीम थी, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर सर हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो मतलब ऐसा होता है कि सेट पे लोग डांटते हैं या फिर अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और बिल्कुल उन्होंने मुझे चिल्लाया नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छे से यू नो बहुत अच्छे से समझाया, और उसकी वजह से ही शायद मैं अच्छा एक्ट कर पाई उसमें, वरना मतलब बहुत टफ हो जाता है ऐसे यू नो नए किसी लोगों के साथ में काम करना। बट सब बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत सपोर्टिंग सपोर्टिव थे लोग, और मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वापस इनके साथ जरूर काम करना चाहूंगी। हाँ मतलब मैं हाँ क्रिएटिव डायरेक्टर के बारे जी में बोलना चाहता हूँ, बहुत हम्बल इंसान है, मतलब सेट पे सबसे ज़्यादा मज़ा मैं हिमांशु जी के साथ काम करने में आया, क्योंकि डायरेक्टर तो चलो ठीक है डायरेक्टर अपना आउटपुट देता है, बट उससे ज़्यादा आउटपुट क्रिएटिव का होता है, जो हमें चीज़ों को जैसे लाइन्स होती है कुछ लाइन्स में चेंजेस करनी है, ये नहीं ये इस तरीके से बोलो तो ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पे पॉज लो ये चेंज कर दो, तो वो क्रिएटिव कमाल करते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर का कमाल होता है, तो उस चीज़ों पे हमारे काफ़ी अच्छे डायलॉग्स थे जो मैं खुशी को प्रपोज करके बोलता हूँ, तो वो हम कुछ अलग तरीके से बोल रहे, तो उन्होंने बोला नहीं इसको इस तरीके से बोलो तो ये ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं ये बोलता हूँ बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका काम मुझे बहुत बेहद पसंद आया, अभी उनकी नेक्स्ट फिल्म की प्लानिंग है, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ,
बहुत खुश आना है। एक पिक्चर कहाँ रिलीज हो रहा है, शॉर्ट पिक्चर नहीं लगे, इतने अच्छे सब्जेक्ट है, मेरा तो ओटीटी अच्छे ओटीटी पे होना चाहिए, कब देखने को? इसके बारे में तो मुझे भी अभी नहीं पता है, मतलब ये तो ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर हैं और जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्हें ही नॉलेज होगी इसकी। बाकी मैं बोलूंगी लोगों से कि आप देखें, मतलब एक हाँ देखिए जब भी जहाँ रिलीज होगी तो ऑफ कोर्स बताएंगे आपको। मुझे नॉलेज नहीं है अभी, बिकॉज मैं भी अभी ही फर्स्ट टाइम ही देखने वाली हूँ ट्रेलर। ये जो रिलीज है थोड़ा मुझे आइडिया है, क्योंकि अंदर की बातें है वो चल रही है कि अगर हम सोच रहे हैं या जियो पे रिलीज करें या वी फोर पे, दो तीन ओटीटी वालों से उन्होंने बात करी है प्रोड्यूसर ने, तो और ये फेस्टिवल की भी प्लानिंग है कि हम फेस्टिवल में भी इसको लेके जाएं फिल्म के, क्योंकि इतनी अच्छे से शूट किया है तो फिर अजय जी चाहते थे कि इसको फेस्टिवल में पहले भेजें उसके बाद। मुझे प्रोजेक्ट कैसे जी, मैंने मेरी प्रोफाइल भेजी थी अभी एक कास्टिंग डायरेक्टर उनको, कास्टिंग कंपनी को, तो उनके थ्रू रोहित जी भी आई गेस कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल इनको शेयर की होगी। तो उसके बाद मुझे आया था कि मतलब आप एक बार ट्राई करके देखो, और मेरा लाइक मैं फ्रेशर हूँ तो यू नो लाइक हर कोई इतना ट्रस्ट नहीं करता है। देखो फ्रेश शंकर भाई आज के डेट में देखो नॉन एक्टर को काम बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन फ्रेशर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं एज एन कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, ऑल इन वन, तो कुछ भी करा सकते हो आप। तो मैं सोचा कि चलो प्रेशर को भी लेके, ये लोग इतने स्ट्रगल कर रहे हैं एक फिल्म बनाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर स्टोरी हिट होती है तो प्रेशर को भी लेके आप आउटपुट दे सकते हो अच्छा, है ना। तो उनको चांस नहीं मिलता, वो इतने स्ट्रगल करते हैं, लोग नॉन फेस ढूंढते हैं कि चलो अगर नॉन फेस ठीक है, एक नॉन फेस एक्टर रखो, एक प्रेशर रखो तो भी मूवी हिट हो जाती है, अगर जो हिट होनी होती है। तो मैं ये सोचा कि चलो इन्होंने भी काम किया है, बिकॉज ऐसा इतना प्रेशर नहीं है, लोग भी वन डे टू डे काफ़ी काम किए हैं। और ये मैंने तो मेरे 5 सॉन्ग हैं मीडिया पे, मैं और मैंने काव्या में भी काम किया हुआ है। काव्या में क्यों मैं जानना चाहता हूँ, स्टोरी आपका हीरो है, जो स्टोरी हमने सुना है मिला जुला कर, स्टोरी आपका रॉक हीरो है, और आखिर में जानना चाहता है कि लोग आपके युवा पीढ़ी आप जो कॉलेज में पढ़ता है, आपकी स्टोरी आपने जो जीता है, जो बता रहे हैं, इस मुश्किल का सामना और बाकी लड़कियों को ना करना पड़े, किस तरह के आंखें खोल रहे आपकी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि सबके घर घर तक जाए स्टोरी, और आखिर में आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही शेयर यू नो लाइक मैसेज देना चाहूँगी कि आप किस पर भी इतना यू नो ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। एंड द थिंग इज़ कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई गलत होता है, मतलब हम हर एक को नहीं कह सकते कि हर कोई गलत है, बट जागरूक रहें। हाँ, बट आप जागरूक रहें, अलर्ट रहें, और किसी पे भी इतना ट्रस्ट ना करें कि यू नो वो आपके लिए बाद में नुकसानदायक हो। तो हमेशा, और अपने पेरेंट्स पे हमेशा आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, वो बुरे से बुरे टाइम में भी आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कहीं ट्रैप में फंस भी रहे हो तो पहले आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, क्योंकि लास्ट में वही होंगे आपके साथ जो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि और बाकी लोग कभी भी मुश्किलों में नहीं आते हैं, पेरेंट्स हमेशा रहते हैं। हम आखिर में जाते आते हैं, प्रोड्यूसर के आप तो कितना पर प्रेशर रहा आप लोगों पे, भाई जल्दी खत्म करना है, बजट पर ऐसे कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत कोऑपरेट किया, रिलैक्स माइंडेड थी। प्रोड्यूसर का नाम लिया, प्रोड्यूसर हाजिर हो गए, प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं, पिक्चर तो आते ही कब चले जाते पता नहीं, लेकिन आपकी पिक्चर की मैंने सुना मैंने कि एक बार लोग देखे, बार बार देखे, कई बार हमें जाने एक पिक्चर कहाँ रिलीज करा, कैसे अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, किस पर आप डाउट खेलना चाहिए, अच्छे से कलाकार के लेना मुझे बोलना है जी, बोलना जी, है सर आपको प्रोजेक्ट काफी पसंद है, तब आपने इसमें क्या बोल दिया, कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा ही लगा। कैसे प्रोजेक्ट के बाद आपने आया आपके पास, कैसे सोचा इस पर पिक्चर बनानी चाहिए आपको? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई अनुभव नहीं था, मुझे सीखने को मिला इसमें बहुत, और मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अच्छा ही लगा। इस पे वो एक स्टोरी थी जो अजय जी ने इनको बताई और इनको वो बहुत पसंद आई, तो ये इन्होंने सोचा कि मैं उसको क्यों ना मैं ही, मतलब क्योंकि वो स्टोरी बहुत अच्छी। आपने कुछ बोलिया, बहुत आपने कुछ, कैसे आपने सोचा? क्या बोलूं, मुझे तो अच्छा ही लगा फिल्म बनाने के लिए। आपने क्या थॉट निकाला था, सोचा कि इसको लेना चाहिए, हां ये एक्टर कर सकती है, मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, 10 रुपए अगर 20 रुपए आएगा, कैसे सोचा? नहीं, मैंने वैसा नहीं सोचा है किसी के बारे में, मैंने छोटे लेवल को, क्योंकि वो ऊपर पहुंचे, मेरा आइडिया ये था कि जो छोटे लोग हैं उनको ऊपर कैसे पहुंचाना है, वो मेरा काम था, जो छोटे से छोटे उनको आगे लेके मैं गया, बस मेरा यही रूल था। और मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे इससे और मुझे अनुभव मिला तो मैं आगे जाके और बड़ा उससे बड़ा करूँगा।
अजय जी, हिमांशु जी काफी तारीफ मिल रहा है कि काफी लोगों ने मेहनत की, एक्टर लोग आपका दिल से सब जुड़े हुए हैं, अब काम जब फिनिश हुआ तो कैसा लगा, कैसा फीलिंग लगा? मुझे अजय जी से ज्यादा हिमांशु जी की खुशी, उनको बधाई देना चाहता हूँ, वो मेरी मेहनत बहुत ज्यादा की है, बाकी मेरे जो परिवार थे जो साथ मिलकर काम किया उनका भी मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छे इंसान है प्रोड्यूसर हरीश जी, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम इस फिल्म को हमारे साथ मतलब हरीश जी, हम ऐसे बैठे थे तो ऐसे दिमाग में आया कि चलो एक फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, शूट करते हैं, तो अजय जी, मैं और ये हरीश जी बैठे थे साथ में, तो ऐसे दिमाग में आया, स्टोरी अच्छी लगी सडनली, तो ये होता, इन्होंने बोला कोई बात नहीं इसको शूट करते हैं, ऑन द स्पॉट मूड में आया सडनली, और प्लानिंग हो गई, मतलब ये 3 दिन के अंदर प्लानिंग हुई, ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं था कि फिल्म शूट करना चाहिए। एक दिन स्टोरी सुने हमने, स्टोरी नरेशन था, स्टोरी नरेशन के बाद सेकेंड डे हम वेट किए, थर्ड डे हम शूट कर लिए, और बहुत जल्दी में शूट किया भाई ने, डिसीजन लिया, और ये बहुत हम्बल इंसान है, बहुत मतलब बहुत समझ के चलते हैं चीज़ों को, किसी भी एक्टर को तकलीफ ना हो, मतलब वहाँ पे सेट पे जो मैनेजमेंट प्रोडक्शंस ज़्यादा भाई हेल्प कर रहे थे वहाँ पे, तो और मैं इनसे जुड़ा हूँ, मतलब होती है कम समय में एक अच्छा इंसान से दोस्ती हुई, तो मैं ये चाहता हूँ, ये मतलब दोस्त नहीं एक बड़े भाई भी हैं, अगर हमसे कुछ गलती होती तो भाई बोलते हैं यार रोहित ये चीज़ों को ऐसा कर, और बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मेरा, ये मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ भाई आगे बढ़ें मार्केट में, ये तो चलो एक छोटी फेस्टिवल फिल्म है, बड़े लेवल की इनकी फिल्म बने और ये आगे बढ़ें, तो एक अच्छा दोस्त मिला, एक अच्छा भाई मिला मुझे कम समय में, जो मैं ढूंढता था, और एक अच्छा प्रोड्यूसर मिला। हरीश जी, इसके अलावा क्या है पाइपलाइन में, क्या सोचे आप, इतने प्रोजेक्ट बन चुके थे खूबसूरत बेहतरीन, अच्छे एक फैमिली मिल चुके आपको, इसके अलावा नेक्स्ट कुछ सोचे हो, क्या करना है, पिक्चर भी करना है या वेब सीरीज करना है या और भी कुछ? नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे को पिक्चर ही करना है, और मेरे पास स्टोरी लगभग आ गई है, मैं हफ्ते भर में लगभग शूट चालू हो जाएगा। आखिरी में, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें गाने भी है या गाने भी है, बड़ा लेवल का ही, तो मैं अभी करने वाला तो थोड़ा बड़ा ही, इससे भी डबल। पर कहानी थोड़ा एक लाइन बता सकते हो आप? कहानी ये है कि जो एक मुंबई की लड़की थी जो दिल्ली में उसका अपहरण हुआ था और उसका गला काट के फ्रिज में रखा था, उसकी कहानी सर, वो भी वो उसके आधार पे है सर। लव जियाद, इतनी खूबसूरत स्टोरी आपका है एलएसपी, कहाँ पे आपने सोचा है रिलीज करने को? हम चाहते हैं कि आपको सरकार के भी बेनिफिट कुछ मिले, कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट में सरकार भी सपोर्ट करता है, इस पे मुझे भी अनुभव नहीं है। तो मेरे हिमांशु जी हैं, उनको मैंने बोला है जहाँ बोलोगे वहाँ मैं रेडी हूँ। थैंक यू सर, हो जाए साथ में फोटो कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ स्टोरी बहुत बेहतरीन है, आप देखेंगे फिल्म में, मैं खुद एक राइटर हूँ, इंडस्ट्री भी हूँ, नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं राइटर एंड डायरेक्टर हूँ, इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, मेरा एक मूवी आने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ, सेक्शन 108 जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं लीड में, मनीष बस जी ने प्रोड्यूसर किया। रोहित भाई मेरे पिछले 10 साल से दोस्त थे, और इतने अच्छे वाले दोस्त थे कि कहीं पहाड़ टूटे, कहीं लड़ाई हुई, कहीं सब कुछ हुआ है, बट स्टिल इज ए गुड फ्रेंड, लाइक फुकरे वाली फ्रेंडशिप है हमारी, ठीक है ना। तो ये लोग मिलके कुछ कर रहे थे, आई नेवर नो लाइक इस भाई को मैं जानता नहीं था इतना अच्छा, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे थे कुछ प्रोजेक्ट को लेके, फाइनली रोहित भाई ने बोला कि नहीं यार अपन कर रहे हैं मूवी, एक शॉर्ट मूवी है, इससे स्टार्ट करते हरीश भाई से मुलाकात हो, लेकिन मिलकर करते आगे तो कुछ करना ही है अपने को मिलजुल के, लेकिन अब उसे छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे, तो दैट्स हाउ आई जॉइन द टीम, एंड आप तो जानते थोड़ा एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, ठीक ठाक काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर राइटर वगैरह, तो जो चीज़ें अच्छी कर पाते थे हम लोग वो करते हैं, सर जी ने पूरा साथ दिया, जिस तरीके से एक प्रोड्यूसर को हमेशा खड़ा रहना चाहिए सेट पे, इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जहाँ पे भी रहे हिमांशु जी भरे हुए हिमांशु जी करो आप टेंशन मत, पिक्चर अपना अच्छा करना चाहिए, रोहित भाई था हिमांशु भाई करो आप अच्छे से करो, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स के ये मूवी इतनी अच्छी बने हमारी कि सब लोगों को पसंद आए, अच्छे से देखे आगे से आगे हमारा। और ये मूवी हमने डे नाइट शूटिंग किया था, जहाँ मतलब हमारी शिफ्ट भी बढ़ गई थी, फिर भी वहाँ पे भाई ने हरीश जी ने बोला कोई टेंशन नहीं, बढ़ गई तो कोई बात नहीं आप लोग शूट करो, हमारा जो शेड्यूल था उससे भी एक दिन आगे गया था, शिफ्ट बढ़ गया था, तो हरीश जी ने बोला करते हैं, फिर हम लोग बैठे आपस में मीटिंग किए, मैं और हिमांशु जी एंड देन हिमांशु सर, ये तो मतलब बड़े भाई भी हैं और एक अच्छे दोस्त हैं, तो कुछ भी होता है मैं इनसे सजेस्ट लेता हूँ भाई ये चीज़ें ऐसी है क्या कर सकते हैं, तो इन्हें बोला कोई टेंशन नहीं शूट तो करना ही है, शिफ्ट बढ़ गई तो बढ़ गई, करते हैं डे नाइट हमने शूटिंग किया, और अच्छे से भाई जो भी मैनेजमेंट में प्रोड्यूसर की तरफ से मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं आई, और कोई भी नहीं बोल सकता, बहुत अच्छे इंसान, मतलब फर्स्ट टाइम मैं इतना अच्छे इंसान से मिला, स्पेशली कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैं इंडस्ट्री में 15-16 साल से काम कर रहा हूं,
बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, मीटिंग से होती है, तो यू नो दैट कैसा क्या होता है। फिल्म चालू भी हो जाती है, बहुत सारी फिल्में चालू होकर बंद हो जाती है। इनका फर्स्ट टाइम मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, फिर ओवर बजट होना, ओवर शेड्यूल होना चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें होती है। हम फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट बनाते थे ऐसे होता, फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी कि नहीं हमारे जो प्रोजेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए और प्रोजेक्ट बन के थिएटर में लगेगा तब तक मेरे को करना है। दूरदर्शन पे या गवर्नमेंट बनाते हैं, आपने खुद बनाया प्राइवेट होकर, तो उनके बारे में कुछ अच्छे क्या सोचा आपने? से आपने कहा फेस्टिवल हो गया, हम लोग सोच रहे हैं फेस्टिवल में भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है, आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट लगेंगे सेंसिटिव, तो हम लोग तो उसकी कंडीशन देखेगी। सब्जेक्ट का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो पहुँचना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे मैं बताना नाम नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे जियो से भी है, दिल्ली दूरदर्शन से भी है, हंगामा से भी हैं कुछ लोग जो मेरे मिलने वाले हैं, रोजगार के मिलने वाले सब के मिलने वाले सब लोग आए हुए, तो वो जिनको जिस तरीके से पसंद आएगा मूवी तो उस तरीके से हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर अच्छे लेवल पर रिलीज करेंगे। सर आप अपने बारे में बताएं, किस तरह जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, इतनी बड़ी किरदार क्या निभा रहे हैं, बताएं। ये फिल्म में मैंने एज अ सिनेमाटोग्राफर शूट की है, एज अ सिनेमाटोग्राफर ये फिल्म शूट की है मैंने। आज है ना अगर तू फ्री है तो आ जा। मैंने पूछा एग्जैक्ट क्या है लेवल, फिल्म का लेवल क्या है क्या है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सेंड की। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने ओके कहा कि नहीं कर लेते, मुझे है उतना वो कि हम कर लेते। तो कुछ नहीं, बस कि सर को मैं पहली बार मिला, काफ़ी अच्छे इंसान है जिन्होंने उसकी फिक्र नहीं की कि एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा लगेगा या जो भी इक्विपमेंट्स मुझे चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसका उन्होंने मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया कि नहीं आपको जो लगता है आप करो, आप दिल से करो। मेला नहीं सर, दिल से ही करते अपन कम्प्लीटली। और ये जो पूरा जो परिवार मिला, ये काफ़ी सभी अच्छे लोग थे जिन्होंने अच्छा साथ दिया। कि जैसे मैंने कहा कि आप जो भी एक सिनेमाटोग्राफर किसी भी एक्टर को ड्यूरिंग शूट के वक्त जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, इन्होंने सभी ये प्रॉपरली फॉलो किए, इसलिए अभी वो जैसे प्रोजेक्ट मिल दिखेगा बाहर आने के बाद, इसी को सब जज करेंगे अभी कैसा है, कैसा काम है, तो ये इतना ही है। आप लोग भी जुड़े हो इसमें? हाँ, ये जुड़े हुए। मेरा नाम शिवी त्रिपाठी है, एज अ वर्क कॉलेज स्टूडेंट। वर्क तो बहुत अच्छा था, मुझे छोटा सा ही रोल मिला बट बहुत अच्छा था, और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी अगर इनकी फिल्म आती है तो हमें काम करने का मौका मिलेगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको जुड़ने का सबसे बड़ा मौका मिला इनके साथ। हाँ, और लीड का काम मिला हमें, और हाँ बहुत खुश है। एज अ लाइन प्रोड्यूसर का नेम टैग मिला मुझे। अच्छा आप बताओ, अपने बारे में बताओ। जी मेरा नाम नैना सिंह है। अच्छा, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हरीश के साथ वर्क करके अच्छा रहता है, एक जेन्युइन वर्क मिलता है, और एज ए वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों से कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए। एज ए इंडस्ट्रीज में बहुत लोग मिलते हैं, एक अपने आप का सा रहता है कि हाउ टू यू नो हाउ टू स्टैंड बाय एनी सेल्फ, ये मिलता है। तो फिर आगे भी बहुत सारे वर्क मिलेंगे, तो हरीश के साथ करने अच्छा लगे क्योंकि जेन्युइन वर्क होती है हर जगह पे उसके लिए। तो मैम आपसे आखिरी में पूछना है, सब लाइन प्रोड्यूसर है, बताओ जो कॉलेज गर्ल के आपने कैरेक्टर निभाए हो, रियल लाइफ में जो कॉलेज लड़की है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्यों देखेंगे पिक्चर? दे हैव टू लुक द फर्स्ट पिक्चर्स बाय परसेल्फ बिकॉज़ एवरीवन हैव टू सी द फर्स्ट थिंग्स, द नन ऑफ द बिजनेस, लाइक यू हैव टू सी दिस पहली बार तो पेरेंट्स को समझ में आएगा कि अपने डॉटर्स को, स्पेशली जो सिंगल मदर डॉटर हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को लिव ऑन कर रहे हैं। प्लस जो लड़कियां हैं आज के ज़माने की, चाहे वो जो टाइप की हो या कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, वेरे वो एक माइंडसेट लेके ना हम लोग घर से निकलते हैं, एक कल्चर होता है हमारे घर का, और घर के दरवाजे से बाहर निकल के उनका खुद का एक कल्चर होता है कि हम किस तरीके से हमारी लाइफ लीड करते हैं। इन दोनों के बीच में किस तरीके से बैलेंस बिठाना है, दैट इज मूवी थोड़ा सा आपको बता दूँ। शॉर्ट फिल्म
कि शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ बता पाएगी, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल यू पीपल उस मैसेज को आप समझ पाए, थोड़ा सा अपना माइंड सेट क्लियर करें और दोनों फैमिली रियल एंड रियल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करें, ये हम लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की। यस यस, क्योंकि मैं इसलिए पूछा ना कि सोशल मीडिया पे आजकल लोग वही देखते हैं, वही मानते हैं, क्योंकि हम पिक्चर देख लिए, क्योंकि आजकल हमारा जो जो संस्कार है, जो लड़के लोग है ना, इसी से सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहते? देखिए, पहली बार तो मैं सभी का, एलएनजी पूरे टीम का, क्रू का हार्दिक स्वागत भी है, ये लोग कर रहे हैं, मगर सबको बधाई दे रहा हूँ मैं। फिर से करो। एलएनजी टीम को, सभी को हार्दिक बधाई, ये फिल्म पूरी कर ली है, और मैं तो मेरे मित्र है उसमें, जिसका नाम रोहित है, छोटे भाई जैसा है। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार फिल्म में वो काम कर रहा है, और उसकी मेहनत भी काफ़ी दिनों से चल रही थी, और मुझे लगता है ये सभी लोगों ने जो काम किया है, आज फिल्म शुरू तो होती है मगर कहाँ पे रुक जाती है, मगर बिना रुके लोगों ने काम किया है, इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट तो मैंने पूरा बस सुना है, देखा नहीं, अभी देखने के बाद मैं ज़्यादा टिप्पणी दे सकता हूँ, मगर जो भी देखने के बाद एलएनजी टीम को, पूरे क्रू को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है। ये क्रिटिकल बनेगा या आगे चलेगा या प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो भी सभी को लोगों, मेरी ऑल विशेष है मेरे साथ, ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे रोहित भी काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। और प्रोड्यूसर साहब है, डीओपी है हिमांशु जी, क्रिएटिव डायरेक्टर, सॉरी मुझे अब सर कोई बात नहीं, तो क्रिएटिव डायरेक्टर सभी को मैं ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर एवरीवन। सर मैं आपको जाना, काफी सारे ये बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत सारे काम किए आपने और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखे, आपने बहुत सारे पिक्चर भी देखे हैं, इस टाइप का पिक्चर जो बहुत कम बनता है, लोग हिम्मत का ताल देना चाहिए कि हमारे देश के लिए एक मैसेज दे। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो कितने लोगों की मेहनत होती है, और प्रोजेक्ट लेकर तो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग घूमते हैं, हर किसी को तलाश होती है कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाए, हर कोई कहता है मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आज के समय में प्रोड्यूसर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लैक होल है कि पैसा लगाने के बाद आदमी सोचता है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, इसलिए कंटेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और किस सब्जेक्ट को लेकर हम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और बेसिकली समाज से ही हमारी फिल्में बनती हैं, समाज की बुराइयों को दिखाया जाता है, अच्छाइयों को दिखाया जाता है, और फिल्म एक मैसेज होती है, उस मैसेज के माध्यम से हम अपने समाज को क्या दिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक प्रोजेक्ट एक डायरेक्टर के लिए उसका बेटा होता है, बच्चा होता है, एक राइटर के लिए उसकी मेहनत होती है, और प्रोड्यूसर तो बस ये होता है कि भाई उन सब पे विश्वास करके वो कहता है भाई मुझे मालूम नहीं है, ये मैं पैसे दे रहा हूँ और आप प्रोजेक्ट बनाइए, बस जिस दिन अच्छा हो जाएगा तो मैं भी जुड़ जाऊँगा, मेरा भी नाम आ जाएगा, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हिम्मत बढ़ जाती है उसकी कि भाई मैं आगे और कुछ कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह का कंटेंट है, और रोहित जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, 15 साल से जानता हूँ, और जो कंटेंट है करंट पोजीशन में, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में समाज की व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है, और बच्चे अब क्या बताएं, सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले की चीज़ों में ऐसा था कि हम लोगों को पता नहीं होती थी, लेकिन आज एडवांस हो गए, क्योंकि तो माँ भी पहले बचपन में स्टाइल से देखती रहती मोबाइल, हुआ सर अंदर तक जाता है ना, जैसे कि महाभारत में था, तो सेम वही पोजीशन हो गई है कि बच्चा यदि पैदा हो, रो रहा हो, तो मोबाइल दिखा दे तो खुश हो जाता है, अरे चलो यार कुछ तो अच्छा हुआ। तो सारी चीज़ें ये हैं, और ये कंटेंट बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था स्टोरी के बारे में, और हमारी ये शुभकामनाएँ हैं पूरी टीम को कि इससे भी अच्छा और प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम, इन्होंने जो शूट किया है उसके लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं,
इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ग्रेट एक्टर है, मैं इनके बारे में बोलता हूँ, हमारी इनकी मुलाकात एक शो में हुई थी और बहुत सारा इनके अंदर मिक्री भी करते हैं, बहुत मतलब नॉन फेस आर्टिस्ट, इनको हर कोई पहचानता है। लोग पूछते हैं ना कास्टिंग वाले नल्ला कैसा एक्टर है, नल्ला एक्टर है, अच्छा एक्टर है, योरेज एक्टर है, तो ये योरेज एक्टर में से हैं, है ना। तो मैं बहुत कुछ भी होता है, इनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, इनसे बहुत सारी चीजें सीखी थी और आज हमारी काफी टाइम बाद मतलब 5-6 साल बाद आज मुलाकात हो रही है सर के साथ। इंडस्ट्री को मैंने 18 साल दिए, मेरी फर्स्ट फिल्म थी आगे से राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट अपना मुंबई साल पिक्चर के बारे में हो गया। थैंक यू।